उन्होंने जो 5000 रुपए का बताया वो आराम से आपको मतलब दे देता। वेलकम बैक टू माय वीडियो, आज है न्यू ईयर तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार के मेले में। मेरे को जाना पड़ेगा। और हमारे साथ जा कौन रहे है? पहले तो मैं जा रहा हूँ, नियति जा रही है, प्रतीश भैया जा रहे हैं, और मामा जी जा रहे हैं, मेरे पापा जी जा रहे हैं, और नाना नानी मामी जी जा रही है। तो हम 8 लोग हैं, जा रहे हैं 8 लोग हम जा रहे हैं गाइस। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार के एक मेले में, जो हरिद्वार में एक मेला लगा है। अभी उसके लिए हम तैयार होते हैं और उसके बाद जो है तैयार होने के बाद आपको आगे दिखाते हैं क्या है। पुल पार करके, हाँ पुल पार करके इधर का रास्ता है कहीं में दूसरी लाइन में जाने का? पर से उन्होंने जो 5000 रुपए का बताया वो आराम से आपको मतलब दे देता। हैंड पेंटिंग से ही अच्छी बना रखी है, अच्छी बना रखी है इन्होंने ये हैंडमेड पेंटिंग्स। वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग गाइस, और ये है सुशील जी। और आज हम कहाँ आ रखे हैं बाबा जी? जैसे कुंड मैदान हरिद्वार में। ठीक है, यहाँ पे जो है कौन सा मेला है ये तो मुझे भी मालूम नहीं। कुछ भी यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है जिसको हम लोग चेकआउट करने आए हैं। सर्दी का मेला है बेसिकली। यहाँ पे काफ़ी आइटम्स हैं, जैसे रजाई कालीन वगैरह क्राफ्ट आइटम ज़्यादा हैं जिसको लोग परचेज कर रहे हैं। बच्चों के खेल खिलौने भी हैं यहाँ पर। इसको शूटिंग का शौक है तो शूटिंग करते हैं। उस्ताद जी आपने क्या खाया कुछ बताएंगे? आप जो धुएं उड़ा रहे हो क्या खाया है आपने? तो यहाँ पे जो ऊँट की सवारी भी प्रोवाइड की गई है लोगों को, और ये प्रथम गाइस, मैंने 5 शॉट पापा जी ने चलाए और 5 शॉट मैंने चलाए, तो जिसमें से 4 बार मैंने 4 बार मोमबत्ती बुझा दी थी, जिसमें 4 बार मैंने बत्ती को हिट किया और बत्ती है जो है सब कुछ उड़ गई। वैसे अगर कुछ होना चाहिए ना कि जैसे एक अगर मोमबत्ती
जाओ तो आपको एक एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, है ना? हाँ, नेक्स्ट टाइम फिर चलते हैं उसके पास, एक बार फिर से चलते हैं उसके पास और एक बार फिर से ट्राई करके देखेंगे। गाइस अभी हम आ रखे हैं हरिद्वार में लग रखा है यहाँ पे मेला, और मेले में आ रखे हैं मेरे बच्चे और ससुर जी और सासू जी, और आगे का व्यू आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। आइए गर्मा गर्म छोले भटूरे पापा जी तो है लापता। अरे तो ये खड़े हैं यहाँ छोले भटूरे के इंतजार में, कहाँ भागे? ये हमने ले लिए हैं गर्मा गर्म छोले भटूरे यहाँ से, और तो ये खा रहे हैं देखो जलेबियाँ। जलेबी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये राजस्थानी जलेबी है, बेहतरीन टेस्ट वाली जलेबी लग रही है, और मैं तो समझता हूँ कि ये पहली बार ऐसी जलेबी है। हमारे स्कूल में मेला लगा हुआ हरिद्वार में, देखिए मैं जलेबी कभी नहीं खाती और ऐसे पहली बार खा रही हूँ, करारी हो रही है, बहुत बारी जलेबी। अच्छा, ये जलेबी इन इंसान ने आज तक कभी जलेबी नहीं खाई नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जो है इनको लगता है ये अलग टाइप की जलेबी है, और जलेबी का मैं आपको साइज दिखाऊंगा। ये जलेबी है और ये इसकी देखिए थिकनेस है, इससे खतरनाक जलेबी तो रानीपुर वो ज्वालापुर वाला फाटक में आप बिलीव नहीं करेंगे। फाटक पे इसमें जो है रेत जलेबी बहुत खाई है, मगर जो टेस्ट है इसमें आ रहा वो अब अपनी त्रुटि अपनी गलतियां इन्होंने ठीक करी। त्रुटि जो है वो तो ठीक है, राजस्थानी बता के बेवकूफ बना रखा है। वहाँ पर बोर्ड में लिखा है राजस्थानी। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था मम्मी को आज हमारी ऊंट पे बिठा रहे हैं, तो मम्मी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऊंट पे बैठिए, सच्चाई भी बदल जाएगा। अब तो गाइस वेलकम टू बरा। तो गाइस अभी हो चुका है हरिद्वार का मेले का एंड, और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। अब तक कल रात जो है न्यू ईयर पार्टी में सेलिब्रेट नहीं करता, तो अभी घर पहुंचेंगे। घर पहुँच के कुछ है अमामिया पान खाए, तो अभी घर पहुंच के आप फिर देखते हैं। अभी बस गिरे तो मम्मी भी नहीं है। अब तुम्हें बिना उसके तो जाने भी नहीं दिया होगा मैं अंदर, ऐसे कैसे कैसे चले गए होंगे यार, ऐसे कैसे चले गए होंगे? तो ये बोल रहा था बोनट के ऊपर बैठेगा क्या? पचास रखा ले रखा, गुब्बारा पीछे रखा हुआ। बाहर निकलने के लिए यही तो है अंदर भी।